हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G04 फ़ोन है, तो मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर पाएंगे, और कैसे अपने फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे, यानी रिकॉर्डिंग को अनेबल कैसे कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसके ज़रिए अपने फ़ोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जब भी रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है बैक करते ही फ़ोन आइकन्स पे। फ़ोन आइकन्स पे जाकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने फ़ोन में। देख सकते हैं 3 डॉट का यूज़ करके सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन करेंगे और सिंपली यहाँ से इनेबल कर देंगे रिकॉर्डिंग, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी रिकॉर्ड हो जाएगी और इसके ज़रिए अपनी फ़ोन की ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं ऑन करके अपने फ़ोन में, और आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट को ऐड कर लेंगे तो आप नंबर्स को सेलेक्ट करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग भी होने लगेगी। तो इस तरीके से भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।